दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। यूक्रेन की सरकार ने भी साफ कह दिया है कि अब वह पीछे नहीं हटेंगे और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बीच लोग इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं कि आखिर दोनों देशों की दुश्मनी की वजह क्या है। दोस्तों, वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजहें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नाटो को माना जाता है। इसे 1949 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य देश थे, लेकिन अब इनकी संख्या 30 हो गई है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन यह बात रूस को पसंद नहीं है। इस वजह से पिछले 7 दशक से दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। दोस्तों, नाटो की पॉलिसी है कि अगर कोई देश किसी सदस्य देश पर हमला करता है तो सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो के सैनिक रूस और यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे। ऐसे में यूक्रेन के ऊपर रूस की दादागिरी नहीं चलेगी। रूस चाहता है कि नाटो उसे आश्वासन दे कि वह यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। मौजूदा वक्त में नाटो में 30 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 12 लाख सैनिक हैं। इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। दोस्तों, साल 2014 यूक्रेन और रूस के बीच विवाद के लिए अहम रहा। उसी साल यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार बनी। वहां पर उठे विरोधी स्वर को देखते हुए 2014 में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हालत और बिगड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, रूस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। यह पाइपलाइन जिन देशों से होकर जाती थी, रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था। इसमें यूक्रेन भी शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक रूस हर साल करीब $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। यह राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को समझ आ गया था कि युद्ध के हालत में यूक्रेन उसके पैसे का ही इस्तेमाल करेगा। इस वजह से उसने नया प्लान बनाया, जिसके तहत नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई। इसमें वेस्टर्न रूप से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। वैसे तो इसमें करीब $10 बिलियन का खर्च आया, लेकिन यूक्रेन साइडलाइन हो दिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की वजह से यूक्रेन और पोलैंड जैसे देश रूस से नाराज हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।